मुझे ही नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। Maybe I should just run away. पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम रनर निकलोगी। इस बार सिर्फ मैं और यूरी नहीं है। At this point, हमें डैड की जरूरत है and I am not going out of here. तू नहीं आ रही मेरे साथ। Twins के यही problem. अलग survive नहीं कर सकते। मेरी जरूरत नहीं है ना मुझे। I am free. I love you. I would like to propose. हाँ या ना? Please हाँ बोल दो। आरी ने आपको अपनी मदर की कहानी बता दी ना और आप उसकी स्टोरी सुनकर डिसीजन ले रही हैं। थोड़ा सा टाइम देते हैं ना यूडी समझने के लिए, क्योंकि एक इंसान बदलता नहीं ना कभी, बार 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 वही गलतियां दोहराता है। मुझे जहान की फिक्र है। देखो मैं दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए, पर तुमसे नहीं लड़ सकता मैं। सॉरी मैं सुन लूं। आरी छोड़ मुझे। मैं सुन लूं। हां ये सब आपके इशू है, आपने सब कुछ इस तरह चला गया। तेरी बातों में अजब सा सुकून, दिल भी मुस्कुराने लगा। इस शाम की गहराइयों में डूबा चला गया। कुछ इस तरह ये पल हंसी बांट ले, कुछ इस तरह ये पल हसीन बाट ले, कुछ इस तरह। ठहर जा दिल खो देगा रे, खो देगा अगर तो रो देगा कर तो वो जो देगा रे, खो देगा कर तो रो देगा रे। सब तू जाने पर ना सीखा, क्यों तू सबका हो के भी ना किसी का। ठहर जा दिल, आपने मुझे भी एसोल बना दिया। सब देख रहे तमाशा, तमाशा आप कर रहे हो, अपने जिंदगी का तमाशा कर दिया, सब बर्बाद कर दिया मैंने। Just relax. I don't wanna relax. आपने सब मुझे देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार अब। चल गुड। आपने क्यों मुझे ऐसा बना दिया? आपने आपने क्यों मुझे सब कुछ ले लिया? कुछ तो रहने देते, कुछ तो रहने देते मेरे पास। I promise यार, I promise सब ठीक हो जाएगा। I promise you, okay? मैं हूँ यार। कुछ ठीक नहीं होगा। आप कहते हो कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, डैड। आप कहते हो कुछ ठीक नहीं हो सकता। I hate you, I hate you so much, डैड। I took kill you. और पता है प्रॉब्लम क्या? I wanted to. I love you, okay? I just don't blame yourself, okay? तूने कुछ नहीं किया है। And I know मैंने बहुत time waste किया यार आ रही हूँ।
एंड आई एम सॉरी यार, पर तेरा हर खोया हुआ पल, हर खोया हुआ सेकंड मैं वापस दे दूंगा तुम्हें यार। कैसे आप हर खोया हुआ समय कैसे वापस करोगे? आप कैसे वापस करोगे? डैड आई रियली वांटेड यू, आई वांटेड यू डैड, जो मुझे सही गलत बता सके, जो मुझे डांट सके। डैड आपको पता है मुंबई क्यों आया था? मुझे लगा था आप एक बार तो बाप बनने की कोशिश करोगे। नहीं डैड, मैं 4 दिन से घर पे नहीं आया, 4 दिन। डैड आपको पता भी है, डू यू मीन केयर? पर आप कल भी वैसे ही थे, आप आज भी वैसे ही हो। दैट्स इट डैड, आई गिव अप, आई एम डन। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है, आई विल अपडेट यू। I'm sorry. ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा बच्चे, वो वापस ही आएंगे। उनसे कुछ नहीं होगा, उनसे कुछ नहीं होगा, उनसे कुछ नहीं होगा। रिश्ते को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देते हैं ना यूडी, समझने के लिए या तुम्हें पढ़ाने के लिए। मुझे जहान की फिक्र है। मैं भाग जाऊंगा, मेरी आदत है भागना, तो ऑफिस में भागूंगा। एक और बिगड़ा रिश्ता मैं हैंडल नहीं कर सकती, ना मैं ना जहान। टेक्निकली आप मेरे डैड नहीं हो, और मुझे चाहिए भी नहीं, एक ही काफी है। मुझे दोस्त चाहिए, बनेंगे? डन। अब आप और मैं दोस्त हैं, और बाप को ठीक होना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉम कहती है दोस्तों को नहीं छोड़ा जाता। इसलिए स्टार्ट गेटिंग बेटर, क्योंकि इस फ्रेंडशिप का कोई दी एंड नहीं हो सकता। यू गेटिंग इट? यू हैव टू गेट वेल सून। मैं तुमसे प्यार करता हूं। देखो मैं दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं तुम्हारे लिए, पर तुमसे नहीं लड़ सकता मैं। I'm sorry. जहान के साथ इतना बड़ा चांस नहीं ले सकती।
क्यों रहे हो? हाँ देखो, अब आपने ना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ टाइम के लिए ले ली है, तो पूरी लाइफ बची है रोने के लिए। प्लीज आज मत रो। बिना वी किया उसको आ जाना चाहिए था ना। तुमने बात करी उससे? वो बात ही तो नहीं कर रहा किसी से। वापस जा रहा हूँ डैड। देख यार, I don't want to blame yourself for any of this, हाँ? ये तेरी गलती बिल्कुल नहीं थी, समझ रहा है? मैंने सोचा इस बारे में, इसलिए मैं अपने आप को ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, आप ही को ब्लेम कर रहा हूँ। आपको अब भी ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो डैड, बट वॉट इफ आप ना बदले हो? आप ये चांस ले लोगे शिवा आंटी के साथ? I love Shiva. मैं कभी उसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। यार तो अब मॉम से भी कहते थे, याद है ना? घर में सब आपकी कमिटमेंट सेरेमनी की तैयारी कर रहे हैं। कल अगर आप वहां पे आ गए ना डैड, अभी नहीं मिलूंगा आपसे जिंदगी में, या तो मैं या तो शिवा आंटी। आंटी कितनी एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ मैं कब तक यहाँ पर खड़ी रहूँगी? जब तक हम रेडी नहीं हो जाते। थैंक यू। कब रेडी होगे? अरे एक्साइटमेंट तो देखो, दो मिनट। अभी रेडी? रेडी? पार्टनर रूबी चले हैं। तो हम आपको लेकर जाएंगे। और ये रहे डैड। ओके, अभी के लिए थोड़ा ज्यादा हैंडसम है, एडजस्ट कर। ओके, सीरियस। आई होप अब इस बार मना नहीं करोगे। इस बार मना करने का मन भी नहीं है। One sec, give me a moment. Shivanti, I'm really glad ki we are not hum, tum and them. We are hum, tum and us. One big happy family. पर आरी के बिना तो सब कुछ incomplete है। Oh God, incomplete. Wait. आपको उसपे trust है कि नहीं है? Then. जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आर्यन ने मुझसे कहा है ना कि वो 100% आ जाएगा, आएगा मतलब आएगा। I really hope so. रोने वाली आंटी नहीं आएगी। चुप कर। बारा आंटी को बुलाओ ना। चलिए, घर पे सब वेट करें। सब जल्दी कर, बारांडी का कॉल आया तो 40 मिनट पहले हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। जल्दी। I'm ready. क्या कर रही है यार गौरी? सात फेरों की प्रैक्टिस, एके बर्बादी। पांच जवानी, अभी आप और डैड साथ में हो जाएंगे ना, तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? मुंबई का सॉल्व हम कितने दिन, मतलब कब जाएंगे हम? गाइस 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 गाइस, वो लोग आ गए। ठीक है, रेडी रेडी। ओके okay.
या रेडी रेडी थ्री टू वन यार पारो आंटी आप कहाँ से आ गए पहले डैड आएंगे ना फिर आप आओगे ना सॉरी पारो आंटी गाइस अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है मैं बाहर जाके देखता हूँ डैड बाहर ही है ना मैं बाहर जाके देखता हूँ मैं डैड को जैसे ही अंदर भेजूंगा जहान यूडिका है पारो ठहर जा दिल खो देगा रे खो देगा अगर तू रो देगा रे ओ मेरे घायल शेर रेडी टू गो कैन आई आस्क यू समथिंग या ऑफ कोर्स तुझे क्या लगता है कि लाइफ में सच में कोई चेंज हो सकता है और डज फॉलिंग लव मेक यू फील लाइक चीजें चेंज हो रही बट एक्चुअल में कुछ चेंज नहीं हो रहा है और सब झूठ है फीलिंग्स कभी सच्ची या झूठी नहीं होती यूडी फीलिंग्स तो फीलिंग्स होती है और बदलना वो क्या होता है झूठ या सच I don't believe this. You know what this is? This is fucking typical is what this is. तू पागल हो गया क्या? तू 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 भाग जाएगा? पर पारो, what if आर्य ठीक बोल रहा है यार? मैं शिवा के साथ कोई चांसेस नहीं ले सकता हूँ यार. What if I haven't changed? And what if I realize it later? और फिर मैं भाग जाऊँगा और फिर शिवा क्या करेगी यार? और शिवा तो बोलती है मुझे कि आगे बढ़ने के लिए पीछे की गलती सुधारनी पड़ेगी. और तुम मुझे क्या बोलती हो? हाँ? कि जब तक गिल्ट रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, right? Haven't you told me that a million times? But not like this. Not like what? यार, जब तक आरी मुझे माफ नहीं करेगा, वो गिल्ट नहीं जाएगा सिस्टम से. तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? It's time I become a father. I need to be there for him. He needs me. तुझे जाना है ना? Go. But please, शिवा को बता के जा. ऐसे बिना बताए तू कैसे भाग जाएगा? I mean, for God's sake, कुछ तो responsibility दिखा। अबे पहली बार life में responsibility तो दिखा रहा हूँ मैं और क्या कर रहा हूँ? पर मैं क्या बोलता शिवा को कि तुम यहाँ wait करो मैं आता हूँ। And what if listen? What if I don't change? What if it doesn't happen? What if Ari doesn't forgive me? फिर मैं क्या करूँगा? शिवा यहाँ बैठी रहेगी? You have to understand, पारो, responsibility इसी में है कि शिवा मुझे hate करे। शिवा आंटी प्लीज प्लीज सुन लो ना प्लीज मत जाओ पापा आ जाएंगे शिवा आंटी प्रॉमिस प्रॉमिस शिवा आंटी प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज आ जाएंगे आप बहुत देर हो गई बहुत देर हो गया बेटा वाह प्लीज शिवा आंटी को बोलना यार पापा आ जाएंगे थोड़ी देर में प्लीज यार शिवा आंटी आई एम सॉरी तुम्हारी गलती नहीं है आर्यन तुमने मुझे बताने की कोशिश की थी क्या कर रहा है
जान उनके साथ जाना। शिवा ने मुझे इतना बदल दिया है कि आज मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। आई लव यू शिवा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि जिम्मेदारी लेना भी मैंने तुमसे ही सीखा है। मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी, आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहा हूँ। आर्यन की, जिसका बचपन मैंने खराब किया। ओजे और व्योमा बहुत छोटे थे, लेकिन आर्य को सबसे ज़्यादा चोट लगी। आज उसे मेरी ज़रूरत है और तुम्हारे काबिल तभी बन पाऊंगा जब पहले एक अच्छा सा बाप बन सकूं। I hate you, Dad. तुमने इतने झूठ बोले मुझसे यूडी, बस I love you नहीं बोलते। I love you more than anything else in the world, Shiva. पर हम तुम के बीच के दम को आज मेरी ज्यादा जरूरत है और उनकी परवाह करना भी मैंने तुमसे ही सीखा है। तुम्हारी ये आखिरी सीख हमेशा मेरे साथ रहेगी यूडी। अब मैं अपना दिल किसी के लिए नहीं खोलूंगी। मुझे लगता था कि मैं निखिल से नफरत करती हूँ, पर नहीं, असली नफरत आज तुमने मुझे सिखाई है। आई हेट यू यूडी, आई हेट यू। आई विल ऑलवेज लव यू। एहसास तेरा कुछ इस तरह बढ़ता चला गया, इस शाम की गहराइयों में डूबा चला गया। कुछ इस तरह ये पल हसीन बाट ले, कुछ इस तरह ये जिंदगी काट ले। ये तुम्हारी स्पेशल वाली स्माइल है, सिर्फ मेरे लिए। मैं आसमान में उड़ता उड़ता थक गया हूँ, मैं घर आना चाहता हूँ यार तुम्हारे पास। एहसास तेरा जो बढ़ने लगा, ये समा गुनगुनाने लगा। तेरी बातों में अजब सा सुकून, दिल भी मुस्कुराने लगा। कुछ इस तरह लौट के सिर्फ तुम्हारे पास वापस आऊंगा। ये पल हंसी बांट ले, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया। कुछ इस तरह ये जिंदगी काट ले। I love you। कुछ इस तरह कुछ इस तरह बढ़ता चला गया, तेरी बातों में अजब सा सुकून, दिल भी मुस्कुराने लगा। इस शाम की गहराइयों में डूबा चला गया। कुछ इस तरह ये पल हंसी बांट ले, कुछ इस तरह
ये पल हसीन बाट ले कुछ इस